हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, मॉर्निंग में अगर आपको भी बच्चों को टिफिन देना हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों के टिफिन के लिए ऐसा क्या बनाए जो बच्चे पूरा टिफिन फिनिश करके आए और ये यूनिक होने के साथ साथ इजी भी हो, टेस्टी भी हो, तो आज ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये झटपट से बन जाता है, वो भी किचन की बेसिक सामानों के साथ, और मॉर्निंग में आप इसे बच्चों के टिफिन में देने के साथ साथ पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और खुद भी चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पैन को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें 2 गिलास पानी डाल लें क्योंकि मेरी छोटी है, अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ 1 गिलास डालना। पानी को हम 1 उबाल आने का वेट करेंगे, जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे आप हमें बताइए कि आप हमारी मज़ेदार सी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, और जहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जगह का नाम लिखना मत भूलना ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। तो देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहली चीज़ नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, ऑयल ज़रूर डालना है, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, बस काफ़ी है, इससे हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन, तो जो इस नाश्ते को टेस्टी बनाने के साथ साथ पचाने का काम करेगी। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून अजवाइन लिया है जिसको हम इस तरीके से मसल कर डालेंगे। मसलने से क्या होता है, अजवाइन का टेस्ट बहुत ही अच्छे से निकल कर आता है और अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होती है। और अब इसमें हम 1 चुटकी हींग डालेंगे, तो हींग ज़रूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो 1 चुटकी हमने हींग डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे नाश्ते को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया, अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना डाल सकते हैं, अगर पुदीना भी नहीं है तो आप इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे धनिया डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पानी में अच्छे से उबाल आ जाना चाहिए, तब तक हमें उबालना है। यहाँ पे हमें कोई भी मसाले नहीं ऐड करने हैं, सिर्फ हमने नमक डाला है, अजवाइन डाला है और हरा धनिया डाला है और 1 पिंच हींग डाली है। और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर काम करेंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे चावल का आटा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से आपको किसी भी लोकल मार्केट पे किसी भी शॉप पे मिल जाता है। और अगर आप इसे मार्केट से खरीदते हैं तो ये 50 रुपये में मिलता है किलो के हिसाब से। अगर आप इसे घर में बना लेते हैं तो आपका 25 रुपये के चावल में 1 किलो आटा बन जाता है और आपका 25 रुपये बच जाता है। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। वेट नहीं, हमारा 150 ग्राम है और नाप में एक बड़ी कटोरी है, अगर आपकी छोटी है तो आप 2 कटोरी लेना, और ये मेरा होममेड है। तो यहाँ पे हम चावल का आटा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि आटा हमारा बिल्कुल भी जले ना, अगर आटा जल जाएगा तो अच्छा लुक नहीं आएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटा गिलास पानी रखा है, 1 बड़े गिलास चावल के आटे के लिए, यानी 1 बड़ी कटोरी है मेरा, अगर गिलास से नापेंगे तब भी 1 बड़ी गिलास है। अगर आप छोटी गिलास पानी ले रहे हैं तो आपको छोटा गिलास ही चावल का आटा लेना है, जितना आप पानी लीजिए उतना ही आपको चावल का आटा लेना है, बहुत ही सिंपल सा मेजरमेंट है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है और आप इसे बनाना भी नहीं चाहते तो आप इसको किसके साथ बना सकते हैं, तो आप इसे सूजी के साथ बना सकते हैं, सूजी के साथ बहुत अच्छे से बन जाएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा कुरकुरी नहीं बनेगी जितनी ज़्यादा ये चावल के आटे के साथ बनेगी। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हमें चावल को आटे को पकाने का कोई भी झंझट नहीं है, बस हम इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 सेकंड अच्छे से मिलाते हुए इस तरीके से इसको मिक्स करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चेक करना है, थोड़ा सा आटा लेना है और इसको गोला बना के देखना है। जब आपका पानी अच्छे से गर्म होगा आप डालेंगे तो इस तरीके से आटा देखिए बिल्कुल अच्छे से बन रहा है और बहुत ही चिकना है, कोई भी इसके अंदर दरार नहीं है। अगर दरार है तो समझ जाइए आपका आटा अभी तो अच्छे से पका नहीं है और आपको थोड़ा सा और पकाना है। बिल्कुल सॉफ्ट सा मक्खन मलाई सा रेडी हो चुका है। आप गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, काफ़ी ज़रा जल रहा है। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है,
जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें एक चम्मच डालेंगे धनिया, जिसको हमने इस तरीके से दरदरा कोट लिया है, बीच से अलग कर लिया है, बस इतना मोटा रखा है। फिर मैंने 3 से 4 काली मिर्च को इस तरीके से दरदरा कोट लिया है। आप चाहे तो इन दोनों का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, लुक आएगा। आप एक ग्रीन चिली ले ली है, अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो भी ग्रीन चिली को हटा सकते हैं। अब 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें चीज़ों को लाल नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है। चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी। फिर इसके बाद हमने एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, जिसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो प्याज को हमें हल्का सा सुनहरा कलर आने तक पका लेना है, गैस का जो फ्लेम है वो हमें मीडियम रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए इसको अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए, प्याज हमारी हल्की हल्की सी कलर चेंज करने लगी है। तो आप गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे, यानी इतना मीडियम करेंगे कि उससे भी अगर कम करें तो वो बंद हो जाए, यानी बिल्कुल लो पे कर देंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले, तो बहुत ही बेसिक मसाले जाएंगे, ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, 1 से 2 चुटकी डालनी है, और हल्दी को डाल के अच्छे से पका लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। अगर आपकी हल्दी पकी नहीं होगी तो नाश्ते में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हल्दी को मैंने अच्छे से पका लिया है, और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच डालेंगे चाट मसाला, जिससे रेसिपी काफ़ी ज़्यादा चटपटी बनेगी। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। मसालों को भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है मसालों की, भुनने की। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं, जो वेट में मुश्किल से हमारे 100 ग्राम है। आलू को मैंने ठंडा करके लिया है, गरम आलू का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो इसको मैश करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करके लिए हैं, जिसकी वजह से इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। अगर आप मैश करके ले लें तो अच्छे से मैश करना, जो मोटी मोटी गुठलियाँ होती हैं उनको ख़त्म कर देना। तो यहाँ पे आलू को हम सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, ताकि आलू की जितनी भी नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आलू को अच्छे से भून के लेना है। तो यहाँ पे देखिए, बातों ही बातों में आलू हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, और इसका जितना भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हींग, और हींग हमें इसी तरीके से लास्ट में डालनी है, ताकि जो फ्लेवर है हींग का बिल्कुल अच्छे से निकल के आए। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक हमें सबसे लास्ट में डालना है। अगर आप नमक पहले डाल देंगे तो आलू अपना पानी छोड़ देगा, प्याज भी अपना पानी छोड़ देगा। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना आप खाते हो उतना डाल सकते हैं। कुछ लोगों को तेज पसंद होता है तो कुछ लोगों को बहुत कम नमक पसंद होता है, तो आप अपने नमक हिसाब से डाल दीजिएगा टेस्ट के। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया ढेर सारा। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, आप गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, नहीं तो हरा धनिया काला हो जाएगा, इसका टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा, लुक भी नहीं आएगा। अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कसम या ज़्यादा लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चख लिया है, सारा परफेक्ट है, बहुत ही चटपटा सा है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा कर लेते हैं, फिर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ग्रेटेड नारियल यानी नारियल का बुरादा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे फ्रेश नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मूंगफली को अच्छे से भून लिया है, भून के लिया है, और छिलके के साथ भूना है, छिलका नहीं निकालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब 2 ग्रीन चिली को इस तरीके से तोड़ कर डाल देंगे। 1 इंच का अदरक लिया, अच्छे से वॉश करके लिया है और छिलका निकाल के लिया है। 3 लहसुन की कलियाँ डालेंगे, क्योंकि मेरी मोटी मोटी है, अगर आपकी पतली है तो आप इसमें 5 डालना। और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल को नहीं निकालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा इसमें शुगर डालेंगे, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो नमक हमें थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पर नींबू का रस भी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच छोटा वाला, और अब इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अब इसको हम इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, सारा का सारा ट्रांसफ़र कर लेंगे, बिल्कुल भी बचाएंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था, और आपको भी ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे,
हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम क्या डालेंगे, थोड़ा सा सरसों लिया है, थोड़ा सा जीरा और एक चुटकी हींग और एक लाल मिर्च को आधा वाला टुकड़ा लिया है, आधा रख दिया है। अब इस तरीके से हम इसको चटका लेंगे 10 से 15 सेकेंड और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए तड़का लगने के बाद जो चटनी का लुक है वो भी कितना अच्छा हो गया है और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और आप इस चटनी के साथ किसी भी नाश्ते को सर्व करेंगे तो जो उसका टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छुपा रहे हैं, हल्का सा गुनगुना होगा तभी हम इसको अच्छे से मसलेंगे और मसल मसल के चिकना कर लेंगे, क्योंकि ये चावल का आटा है, अगर आप मसलेंगे नहीं तो ये बिल्कुल भी चिकना नहीं होगा। और दूसरी बात, ये फटाफटा नाश्ता बनेगा। तो वैसे तो चावल में बिखरावपन होता है, आप उसको पूरा तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इस तरीके से मसलेंगे तो 80% तक तो आप ख़त्म ही कर सकते हैं और जो इसमें एयर होगी वो भी निकल जाएगी। अगर आपको लगे कि आपके हाथों में चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए इस तरीके से मेरी तरह और फिर इसको अच्छे से मसलिए और मसल मसल के बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लीजिए। और बिल्कुल गूंधे हुए आटे के फॉर्म में आ गया है, कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने इस रेसिपी को बिना आटा गूंधे बनाया है। ये देखिए अच्छे से हो गया है, अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से चकला ले रही हूँ रोटी वाला, और इसको यूज़ करने से पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम ग्रेस कर देंगे और यहाँ पे हम इसको रखेंगे और 10 से 15 सेकेंड इस तरीके से मसलेंगे वापस से। थम का ये वाला भाग इस्तेमाल करेंगे और आगे करेंगे पीछे करेंगे, ऐसा हम 4 से 5 बार करेंगे, इससे बहुत ही अच्छे से लचक आ जाएगी। और ये देखिए रेडी हो चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पार्टीशन ले लेंगे इतना, और बाकी हम रख देंगे कवर करके ताकि वो बिल्कुल भी सूखा ना हो, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो बिखर जाएगा। तो अब हम बेलन पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और अब इसको हम रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको कैसे रखना है, हमें जैसे रोटी होती है चपाती उसी तरीके से इसको रखना है। यहाँ पे जब आप इसको बेलेंगे तो आप देखेंगे कि इसके किनारे फटने लगेंगे, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको बहुत ही प्यारा सा शेप देंगे। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से घुमाकर बस बेफिक्र होकर बेल लीजिएगा, शेप हम बहुत ही प्यारा देंगे। और उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे वो भी हम आगे आपको बताएंगे। बस ख्याल ये रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं। तो इससे मैं 2 तरीके की रेसिपी बनाऊँगी। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डालना चाहते तो आप पहले वाला तरीका अपनाइएगा, और फिर दूसरे वाले तरीके से बनाना चाहे तो उस तरीके से बनाइएगा, दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से बेल लिया, इसको मैंने हल्का सा रोटी से मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। अब इसको हम कट करेंगे। तो फ्रेंड इसको कट करने के लिए मैंने इस तरीके से देखिए बड़ी कटोरी ली है, आप चाहे तो छोटा बनाना चाहे तो छोटी कटोरी ले सकते हैं या फिर गिलास भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे किनारों पर और इस तरीके से रखेंगे बीच में और दबाएंगे, और दबाने के बाद इस तरीके से जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम निकाल लेंगे और वापस से उसी में डाल देंगे। जो आटा है हमारा ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, यूज़ में आ जाएगा। और अब इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से निकाल लिया, इतना मोटा मैंने रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। देखिए इस तरीके से रोटी से हल्का सा मोटा है और जो ये बिखरावपन था वो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट शेप आ गया है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे गोल ही बनाइए, आप इसे 3 एंगल में, 4 एंगल में या फिर आप इसे हार्ट शेप में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी कि दूसरा आप कैसे बना सकते हैं। उसके इस तरीके से हमने आटा ले लिया, इसको 10 से 15 सेकेंड इस तरीके से मसलेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से रख के हल्का सा इस तरह से चपटा कर देंगे और अब इसको हम बेलेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बिखरेगा पहले वाले की तरह, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बस आपको इसको आराम से बेल लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। और इस तरीके से कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे आराम से। और यहाँ पे हम जो अपना तैयार मसाला था आलू वाला वो ले लेंगे और इसके एक साइड में इस तरीके से रखेंगे। एक साइड में आप अच्छे से आलू का मसाला रख दीजिएगा, जितना आप अच्छे से रखेंगे उतना ही मज़ा आएगा आपको खाने में। और दूसरा तरीका, इस तरीके से हम इसको कवर कर लेंगे और इसको चिपका लेंगे। तो इस तरीके से प्यारा सा ये गुजिया के शेप में बन जाता है और स्टफिंग के साथ बनता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आता है और बच्चों का पेट भी भर जाता है। ये देखिए, तो आपको जो इजी लगे आप इस तरीके से सादा ही बना सकते हैं
और इस तरीके से स्टफ करके भी बना सकते हैं, गुजिया का शेप भी दे सकते हैं। तो जो में से आपको जो तरीका ज़्यादा पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हैं। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए एक पैन लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला हुआ भारी लीजिए। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से चेक करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही तो समझ जाइए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। जब एक बार तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अपने तैयार नाश्ते को इस तरीके से डालेंगे। और यहाँ पर हमें इसको डाल के 2 मिनट तक धीमी धीमी आँच पर पकने देना है ताकि ये अंदर से कुरकुरी और खस्ता बने। और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। उससे पहले आपको इसे टर्न करने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा कि ये बीच से फट जाएंगी और ये ऑयल आपको छींटा पड़ सकता है आपके मुंह पे, यानी इसकी छींटे आपके मुंह पे आ सकती है। इसीलिए इसको 2 मिनट तक पकने दीजिए। जब ये पक जाती है तो इसकी पहचान ये है कि इस तरीके से ये ऊपर की तरफ आने लगती है। जब ये ऊपर की तरफ आने लगे तो समझ जाइए पक गई हैं। तो चलिए इसको 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम इस तरीके से चिमटे से पलट देंगे और दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप इस नाश्ते को इस तरह से बना के हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपके मेहमान आए या आपका दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं। तो दूसरा वाला इस तरीके से बनाया है, ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा और इसके सामने आप समोसा कचौड़ी को भूल जाएंगे। और इसको जब आप सर्व कीजिए तो आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ, या फिर आप इसे मोमो चटनी के साथ या फिर अचार के साथ सर्व कीजिए। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनी है। यहाँ पे जैसे जैसे ठंडी होती जाएंगी और कुरकुरी और क्रिस्पी होगी। तो अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर इस तरीके से 10 सेकंड अलटते पलटते इसको पका लेंगे। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है, नहीं तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसको चिमटे से घुमाते हुए अच्छे से कुक कर ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने के साथ साथ अंदर से सॉफ्ट बनती है, क्योंकि जो चावल काटा है वो हमने पका के रखा है। तो अब हम इसको फटाफट निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। और यहाँ पे तेल को वापस से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को जो हमने इस तरीके से बनाया है इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। आप इस तरह से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं और जब आपका मन हो आप निकाल के बना सकते हैं। तो चलिए 2 मिनट इसको पक जाने देते हैं। 2 मिनट के बाद इसको टर्न करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो क्या होगा कि ये फट जाएंगी। और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ऑयली बनेंगी। तो चलिए इसको हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम पलटने से पहले इस तरीके से करछी ले लेंगे और इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, जिससे क्या होगा कि जब हम इसको पलटेंगे तो इसका शेप बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें 3 से 4 बार ऑयल डालना है। तो ये जो टिप दे रहे हैं उसे ज़रूर फॉलो करना, इससे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब इसको पलटने के लिए इस तरीके से हम चिमटे का इस्तेमाल करेंगे। चिमटे से इस तरीके से पलट लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा गोल्डन सा कलर आ गया है। और यहाँ पे इस तरीके से इसको हमें पलटने के बाद दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाना है। टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। बिल्कुल अच्छे से देखिए गोल्डन कलर के हो गए। तब हमको इसको इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से निकाल के इसको छन्ने में रख लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस इसी में आ जाए और बिल्कुल भी ये वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप इसको केयरफुली निकालिएगा। ये देखिए अब इसको हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया है, बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है, अंदर से खस्ता बना है। तो चलिए इसको सर्व करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज़रा क्रिस्पी है। ये देखिए कितना ज़रा क्रिस्पी है और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, बहुत ही अंदर से सॉफ्ट है। और यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया ये वाली चटनी के साथ। इस वाली जो चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ खा लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। आप इसे चाय के साथ, बच्चों को अचार के साथ या फिर मोमो चटनी के साथ सर्व करके टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये तो हमारी पहली वाली रेसिपी है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए इसका भी फाइनल रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आया है। ये देखिए कितना ज़्यादा कुरकुरा बना है, सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से स्टफिंग कितने बराबर से फील है और इस तरीके से कितने ज़रा खस्ता बने हैं। इसके सामने आप समोसा कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो ना हमने मैदे का इस्तेमाल किया है ना ही आटे का, इसको हमने बनाया है चावल के आटे से। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और लाइट वेट है।
तो आपको कैसी लगी हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आपके यहाँ मेहमान आ जाए आप इस तरीके से बना के उनका दिल जीत सकते हैं। मेहमान भी आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। जितनी ज़्यादा ये मज़ेदार है उतनी ही ज़्यादा खस्ता बनी है। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। और आगे अब तक ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।